हाय फ्रेंड्स, मैं मिस्टर हेमचंद्र महतो हूँ और आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल BMLT एग्जाम प्रिपरेशन में स्वागत है दोस्तों। तो एक बार फिर हम जो है कुछ MCQ के लेकर आया हूँ जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। और यहाँ से अक्सर ही एग्जाम में क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, और ये जो है आपके लैब टेक्नीशियन, लैब अटेंडेंट और लैब सुपरिटेंडेंट या लैब असिस्टेंट सभी एग्जाम में आपका बहुत ही अहम रोल प्ले करेगा ये सभी के सभी MCQ, ठीक है। तो आइए इस MCQ में, इस वीडियो में हम जानेंगे, डिटेल्स जानकारी लेंगे कि क्या क्या इसमें MCQ है, ठीक है। और इससे पहले जो है हम जो करवाए थे SMC लैब टेक्निशियन का क्वेश्चन पेपर Part 1 BMLT एग्जाम प्रिपरेशन चैनल पर अपलोड हो चुका था, और इसका Part 2 जो है लैब टेक्नीशियन चैनल पर अपलोड हो चुका है, ठीक है। और इसका जो है PDF कहाँ मिलने वाला है तो हम जो है बता दिए हैं किसमें, तो लैब टेक्नीशियन चैनल पर जो PDF जो सेकंड पार्ट जो वीडियो आया है SMC में, SMC का उसमें, ठीक है। तो वहाँ जाकर आप लोग देख लीजिएगा और सपोर्ट कीजिए हमारा इस यूट्यूब चैनल BMLT एग्जाम प्रिपरेशन को, ठीक है। आइए अब बढ़ते हैं आगे। आज का जो पहला क्वेश्चन है क्या है, आज का जो पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर कैटायंस फाउंड इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। बोल रहा है कि कौन सा मेजर कैटायंस है जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया है आपका, क्लोराइड। बी में क्या दिया, सोडियम। ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया, पोटेशियम। डी में क्या दिया, ऑल ऑफ दी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सोडियम जो है यह क्या है, एक मेजर कैटायन जो है जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में पाया जाता है। और ये क्वेश्चन जो है आपका NCL में भी इसी तरह के कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है, इससे रिलेटेड ही था। अब आया है क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पिन वर्म, ठीक है। इसमें से पिन वर्म इसमें से कौन सा है, ठीक है। तो एंटीबाबा, इंटामीबा, हिस्टोलाइटिका, एंकाइलोस्टेमा ड्यूडेनल, इंटेरोबियस वर्मिकुलरिस। ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए का जो है मैंने डिटेल्स बता दिया हूँ इससे पहले, जो है पैरासाइटोलॉजी का प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, इसके बारे में डिटेल्स पढ़ाया हूँ, ठीक है। और दूसरा बात है एंकाइलोस्टेमा ड्यूडेनल, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सॉरी इसका जो है इंटरवेस्टोल के मैंने डिटेल्स पढ़ा दिया हूँ, और ऑप्शन नंबर बी में जो है एंकाइलोस्टेमा ड्यूडेनल। यह एक क्या है, यह एक राउंड वर्म है, ठीक है। यह क्या है, यह एक एंकाइलोस्टेमा ड्यूडेनल जो होता है, यह एक राउंड वर्म जो है स्पीसीज है, ठीक है। इसका जीनस जो होता है एंकाइलोस्टेमा है, ठीक है। एंकाइलोस्टेमा क्या है, यह एक जीनस है, ठीक है। और इसको क्या होता है, और इसको जो है हुक वर्म के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। ये जो है एक राउंड वर्म भी है, इसको और हुक वर्म के नाम से भी जाना जाता है। किसको, हुक वर्म के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ठीक है, तो आप एंकाइलोस्टेमा का क्या है कि यह एक राउंड वर्म है, लेकिन पहले इसको क्या जानते थे हम लोग, हुक वर्म के नाम से जानते थे। दूसरे इसके बाद क्या है, इंटेरोबियस वर्मिकुलरिस, ठीक है, इंटेरोबियस वर्मिकुलरिस। यह क्या है, एक आपका पिन वर्म है, क्या है, पिन वर्म। यह आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। इसके बाद आया है DIC, बोला गया इन DIC कंडीशन व्हिच टेस्ट रिजल्ट शो इंक्रीज। बोला गया कि DIC कंडीशन में, DIC का फुल फॉर्म क्या होता है, तो DIC का जो फुल फॉर्म होता है डिसेमिनेटेड, ठीक है, डिसेमिनेटेड, DISSEMINATED होता है, ठीक है, डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर क्वागुलेशन होता है, ठीक है। तो बोला गया इन डिसेमिनेटेड इंट्राभेस्कुलर क्वागुलेशन कंडीशन व्हिच टेस्ट रिजल्ट शो इंक्रीज। बोला गया इस कंडीशन में कौन सा टेस्ट है जो आपका इंक्रीज दिखता है। ऑप्शन नंबर ए PT, ऑप्शन नंबर बी APTT, ऑप्शन नंबर सी बोथ ANB, ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ दिस। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। दोनों का दोनों क्या होता है आपको इस कंडीशन में, DIC कंडीशन में क्या होता है, इंक्रीज होता है, ठीक है। कौन कौन सा, PT और APTT। PTT जो है और किस कंडीशन में जो होता है इंक्रीज होता है, और दूसरा होता है यह लीवर के डिजीज में, किस में होता है, लीवर डिजीज में,
ठीक है। और किस कंडीशन में होता है? तो हीमोलाइटिक डिजीज में होता है। किस में होता है? हीमोलाइटिक डिजीज में होता है। और किस कंडीशन में बुलाया जाएगा? तो वेरफिन थेरेपी, जिसको बोलते हैं एंटी कोगुलेंट जो थेरेपी चलते रहता है उसमें होता है, और कुछ जो होता है मेडिसिन चलता है, ठीक है, एक एस्पिरिन होता है, ठीक है, और भी बहुत सारे आता है जो खून का ब्लड को जो है पतला करने के लिए आता है, ठीक है। तो ये सब ड्रग जो चलते रहते हैं इसको बोलते हैं एंटीकोगुलेंट थेरेपी बोलते हैं। तो इस सब के मामले में क्या होता है, ये बढ़ जाता है। जब भी देखिए, जब किसी पेशेंट को एंटीकोगुलेंट थेरेपी चलते रहते हैं उसको पीटीआईएनआर जो होता है बराबर ही उसको चेक करते रहते हैं, ठीक है। पीटीआर क्या होता है? आयनर का जो रिपोर्ट होता है, जो एंटीकोगुलेंट थेरेपी में जो जो पेशेंट रहता है उसका 3.1 से लेकर के 3.1 नहीं, 2.2 या 2.3 के आसपास से लेकर के 3.5 तक इसका इसके बीच में होना चाहिए एंटीकोगुलेंट थेरेपी जिस पेशेंट को चलते रहते हैं नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल उस कंडीशन को माना जाता है, ठीक है। अब आते हैं कि और किस कंडीशन में पीटी बढ़ता है। तो डिफिशेंसी ऑफ फैक्टर 5 आपका, फिर फैक्टर 2 भी है, फैक्टर 5 2 9 सॉरी 10, ठीक है, और 1 1 2 5 10, ये सब क्या है? इसके डिफिशेंसी होने के कारण क्या होता है, आपको पीटी जो है इंक्रीज देखने को मिलेगा। अब क्या है कि एपीटीडी किस कंडीशन में इंक्रीज मिलता है देखने को, एपीटीडी किस कंडीशन में मिलेगा? तो एपीटीडी जो है आपका फर्स्ट है वो हो गया डीआईसी कंडीशन में इंक्रीज मिलेगा। इसके बाद जो है कुछ फैक्टर की डिफिशेंसी होने के कारण आपको इंक्रीज मिलेगा, जैसे कि है 2 फैक्टर 5, ठीक है, 7 9 10 11 12, और क्या है लीवर और लीवर डिजीज के, और लीवर डिजीज जब जिस पेशेंट को होता है उस पेशेंट को क्या होता है, ये एपीटीटी जो है इंक्रीज देखने को मिलता है। इसके बाद है कि इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस ऑकर्स ड्यू टू द डैश इनकम्पेटिबिलिटी। बोला गया है कि इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस जो होता है, ठीक है, यह किस कंडीशन या ड्यू टू द डैश इनकम्पेटिबिलिटी, किसकी इनकम्पेटिबिलिटी होने के कारण होता है? एबीओ इनकम्पेटिबिलिटी, आरएच इनकम्पेटिबिलिटी, और ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन नंबर डी आरबीसी इनकम्पेटिबिलिटी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये क्या होता है? आरएच इनकम्पेटिबिलिटी होने के कारण क्या होता है? इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटलिस होता है, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में कि राइस वाटर स्टूल इज अ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ विच इन्फेक्शन। बोला गया है कि राइस वाटर स्टूल जो होता है किस इन्फेक्शन का जो है यह करेक्टरिस्टिक्स है। ऑप्शन नंबर ए साल्मोनेला, बी है जो है भेब्रियो कलेरा, सी जो है ई कोलाय, और ऑप्शन नंबर डी क्या है? नॉन ऑफ द एबव। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसके बाद क्या क्वेश्चन नंबर 6, ऑल आर द डेवलप ऑल पैरासाइट आर डेवलप बाय सिस्टिक फॉर्म स्टेज, सिस्टिक फॉर्म एक्सेप्ट। बोला गया कि इसमें जो निम्नलिखित जिन चीज़ जो दिया गया है इनमें जो है सभी के सभी क्या है सिस्ट फॉर्मेशन करता है, ठीक है, बट इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसको जो सिस्ट फॉर्मेशन नहीं करता? ऑप्शन नंबर ए ट्रेकोमोनस विजेनलिस, बी इन टाइप ऑफ हिस्टोलाइट का, ऑप्शन नंबर सी जो है जी आर डी एल एम्बलिया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ट्रेकोमोनस विजेनलिस जो होता है ये इसे क्या करता है? सिस्ट फॉर्मेशन नहीं करता है। ये क्या है? मेगाब्लास्टिक एनीमिया इज कॉज बाय ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ डैश एंड डैश विटामिन। बोला कि मेगाब्लास्टिक जो एनीमिया होता है ये किसके कारण से, किसके डिफिशियंसी होने के कारण होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए फोलेट, ऑप्शन नंबर बी कोबालामिन, ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन नंबर डी जो है विटामिन सी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी जो है इसके डिफरेंशिएशन का क्या होता है? आपका
मेगाब्लास्टिक एनीमिया होता है। सबसे बड़ी बात है कि फोलेट का जो है किस विटामिन को बोला जाता है, यह है विटामिन B9 को क्या बोलते हैं हम लोग, फोलेट बोलते हैं, और B12 को क्या बोलते हैं, कोबालामिन। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। और इसके डिफिशेंसी के कारण क्या होता है क्या नहीं होता, इसका डिटेल्स मैंने विटामिन के ऊपर जो है पूरा चैप्टर क्लास लिया हूँ, जो लेबोर टेक्नीशियन चैनल पर दिया गया है वहाँ पर जाकर आप चेक कर सकते हैं, अथवा इस चैनल पर भी हम विटामिन का क्लास लेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, सॉरी आयरन इन आयरन डेफिशिएंसी TIBC रिजल्ट शो, बोला गया है कि TIBC रिजल्ट क्या होता है इन आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में, तो यह क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए डिक्रीज, बी इंक्रीज, सी नॉर्मल, डी ऑल ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसके बाद क्या बोला गया, इन मायोकार्डियल इन्फ्रक्शन व्हिच कार्डियक एंजाइम फर्स्टली इंक्रीज्ड, बोला गया है कि कौन सा इसमें कार्डियक एंजाइम है जो फर्स्टली इंक्रीज होता है मायोकार्डियल इन्फ्रक्शन होने का। पहला क्या है CK, दूसरा क्या LDH, तीसरा क्या SGOT, ऑल ऑफ द एवम। ठीक है, इसमें क्या बोला गया, फर्स्टली, ठीक है, फर्स्टली बोला गया, तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। CK क्या है, सबसे पहले क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, क्या होता है, CK कार्डियक एंजाइम जो है यह क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, CK का फुल फॉर्म क्या है, तो क्रिएटिन काइनेज हो जाता है। LDH क्या होता है, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज हो जाता है। SGOT जानते ही आप लोग। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या है, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 10, नेचुरल इम्यूनिटी इज कॉल्ड एज, नेचुरल इम्यूनिटी को हम लोग और क्या बोलते हैं, सेलुलर इम्यूनिटी, इननेट इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इननेट इम्यूनिटी बोलते हैं, ये बी ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, यह क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। यह क्या है, यह जो है नेचुरल इम्यूनिटी जो होता है एट बर्थ के साथ ही क्या होता है, यह इम्यूनिटी जो होता है अपने आप रहता है, किसके साथ, तो वन इज द बोर्न के साथ ही, माने पैदा होते ही ये जो है तो इम्यूनिटी अपने आप ये ग्रो करता है। ठीक है, इसके बाद क्या है कि विच लिवर एंजाइम इज मोर स्पेसिफिक इन एक्यूट हेपेटाइटिस, बोला विच लिवर एंजाइम इज मोर स्पेसिफिक इन केस ऑफ एक्यूट हेपेटाइटिस। ठीक है, बोला गया है कि एक्यूट हेपेटाइटिस में कौन सा इसमें से एंजाइम है जो मोर स्पेसिफिक होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए में जो दिया है SGPT और SGOT। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, SGPT और SGOT, ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, ज़्यादा स्पेसिफिक होता है किसमें, तो एक्यूट हेपेटाइटिस में। एक्यूट हेपेटाइटिस में ये दोनों से भी, दोनों में से भी कौन सा होता है स्पेसिफिक, तो आपका SGPT जो होता है मोर स्पेसिफिक होता है, ये जो होता है इंक्रीज होता है किसमें, तो आपका एक्यूट हेपेटाइटिस में। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। ठीक है, सॉरी, इसमें जो है आपका SGPT नहीं होगा, आपका जो है SGOT हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, SGOT जो होता है एक्यूट हेपेटाइटिस में, आपका बोला गया एक्यूट हेपेटाइटिस का बात किया गया है, तो आपका SGOT लेवल जो होता है ज़्यादा हो जाता है, इसलिए इसका जो होता है एक्यूट हेपेटाइटिस में कौन सा मोर स्पेसिफिक हो जाएगा, तो SGOT जो है आपका मोर स्पेसिफिक हो जाएगा। ठीक है, लिवर एंजाइम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एबीओ एंटीजन, मेनली जो है एबीओ एंटीजन का मेनली रिस्पॉन्सिबल कौन सा है, एच एंटीबॉडीज, एच सब्सटेंस, अल्फा एंटीजन, और ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। एच सब्सटेंस जो होता है एबीओ एंटीजन का सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबल सब्सटेंस है। ठीक है, ये क्या है, एच
सब्सटेंस जो होता है क्या होता है, एच जो जीन होता है, एच जीन से क्या होता है, यह कन्वर्ट होता है किसमें, एच जो होता है सब्सटेंस में, ठीक है। ये एच सब्सटेंस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एच एंटीजन बोलते हैं। यही एच एंटीजन क्या काम करता है, ए बी ओ एंटीजन को में ट्रांस, इसको क्या होता है, एच एंटीजन ही क्या होता है, ए बी ओ एंटीजन में ट्रांसफॉर्म होता है, ठीक है, ये कन्वर्ट होता है। तो ये आप याद रखें, किससे होता है, एच जीन से एच सब्सटेंस में, जिसको बोलते हैं एच एंटीजन बोलते हैं एच सब्सटेंस को। ये एच एंटीजन क्या करता है, फिर ए बी ओ एंटीजन में कन्वर्ट होता है। ये आप याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से अक्सर आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद बोला गया है कि ओ निगेटिव इज डैश, ओ निगेटिव को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल रिसिपियंट, यूनिवर्सल डोनर, बोथ ए एंड बी, ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल डोनर हम लोग बोलते हैं किसको, तो ओ निगेटिव को, ठीक है। इसके बाद क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है कि ब्लू कलर ऑफ एंटीसेरा ए ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, एंटीसेरा ए जो है ब्लू कलर क्यों होते हैं, मिथिलिन ब्लू के कारण, ट्रेप्टन ब्लू के कारण, या सोडियम एजाइड के कारण, या ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ट्रेप्टन ब्लू, ठीक है। ट्रेप्टन ब्लू के कारण क्या होता है आपका, डी उसमें दिया रहता है किसमें, तो आपका एंटीसेरा ए में, जिसके कारण क्या होता है, एंटीसेरा ए ब्लू कलर का होता है, ठीक है, ये याद रखिएगा आप। और ऑप्शन एंटीसेरा बी में क्या दिया रहता है, ये आप हमें कमेंट करके बताइएगा। और एंटी ए बी में, एंटी ए बी सेरा में क्या दिया रहता है, ये भी आप हम लोग, आप हमें कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या पूछा गया, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा स्टोर एट, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा जो होता है कितने डिग्री टेम्परेचर पर स्टोर होता है, तो ऑप्शन नंबर वन 70, बी -70 था, ऑप्शन नंबर बी +70, ऑप्शन नंबर सी 37 डिग्री, और ऑप्शन नंबर डी क्या है -20 डिग्री। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्या कितने दिन के लिए, सॉरी कितने डिग्री टेम्परेचर पे हम लोग रखते हैं, तो 70 डिग्री टेम्परेचर पे जो है फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, ठीक है। तो आज का यही लास्ट क्वेश्चन था, 15 क्वेश्चन। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो आएगा आपका ब्लड बैंक से आएगा इस पे क्वेश्चन पेपर, ठीक है। ब्लड बैंक से बहुत सारे क्वेश्चन हम लेके आएंगे, ठीक है, करीब 50 के आसपास क्वेश्चन रहेगा ब्लड बैंक से, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट, यदि आप नए व्यूअर हैं तो आप इसको जो है लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसके पीडीएफ का जो मिल जाएगा आपको कल शाम तक आपका जो है, सॉरी 24 तारीख को शाम तक आपका इसका पीडीएफ जो है डिस्क्रिप्शन लिंक बॉक्स में दे दिया जाएगा, आप लोग वहां से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके बाद ब्लड बैंक का या तो जामनगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का क्वेश्चन पेपर लेके आऊंगा, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद जय भारत, देखते रहे हमारे यूट्यूब चैनल लेबोरेटरी टेक्नीशियन, धन्यवाद।